चलाक बड़ा टोलना, जा 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 मैं नहीं तेरे नाल बोलना। तू अदा कराएं अमूमी तौर पर रक्स गीत की अक्सबंदी या फिर मरकजी किरदारों से शोहरत पा जाती हैं, लेकिन कम ही अदाकाराएं ऐसी होती हैं जो वर्सटाइल एक्टिंग जानती हैं। जबकि वर्सटाइल एक्ट्रेस होने का हक अदा करना तो बहुत कम लोगों के बस की बात होती है, लेकिन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की खुशकिस्मती ये भी है कि उसे कुछ ऐसे बासलाहियत सितारे मुयसर आए जिन्होंने लीड रोल्स, सपोर्टिंग रोल्स, उर्दू, पंजाबी, मजाहिया, संजीदा, रोमांटिक और खुश्क हर तरह का किरदार यकसां खूबी और लगन से निभाया, और इसमें सायका का नाम सरे फहरिस्त है। पहले 27 साल फिल्म इंडस्ट्री और उसके बाद ड्रामा इंडस्ट्री में काम करने वाली सायका ने उर्दू, पंजाबी और सरायकी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स भी किए और हीरोइन भी बनती रही। फिल्मबिनों ने उन्हें हर रंग में पसंद किया। पेशावराना जिंदगी के साथ साथ सायका की निजी जिंदगी भी अच्छी रही और शोबिज में रहकर वो स्कैंडल्स और अज़दवाजी मुश्किलात से दूर रही। और सबसे बढ़कर सायका ही वो अदाकारा है जिन पर लाजवाल गीत वे मैं दिल तेरे कदमा विच रखिया, तू पैर ते पाते सही फिल्माया गया, और आज बेशक वो गुमनामियों में है लेकिन जब भी ये गीत समातों से टकराता है तो सायका की यादें ताजा हो जाती हैं। सायका की पैदाइश लाहौर में हुई लेकिन उनके वालिद मुलाजमत के सिलसिला में डेरा गाजी खान चले गए, इसलिए सायका ने होश वहीं संभाला। वो मैट्रिक के बाद तालीम हासिल न कर सकी लेकिन उनके घर में उनकी बहुत अच्छी तरबियत हुई जिसकी गहरी छाप उनकी पूरी जिंदगी पर नजर आती है। ये एक सीधी सादी रिवायती फैमिली थी जिसका शोबिज वगैरह से कोई ताल्लुक न था। सायका को भी फिल्मों में काम करने का कोई शौक नहीं था, अलबत्ता वो फिल्म बीनने का शौक कम उम्र से ही रखती थी और फिल्म स्टार दीबा की मदा थी। एक रोज वो दीबा से मिलने एक सेट पर गईं तो प्रोड्यूसर शबाब किरानवी ने उन्हें फिल्म में काम करने की ऑफर की। यूं वो फिल्म संग दिल में कास्ट कर ली गयी। 1968 में रिलीज होने वाली ये फिल्म सुपरहिट रही। इसमें नदीम बतौर हीरो और दीबा बतौर हीरोइन जलवागर हुई और डायरेक्शन जफर शबाब ने की थी। इस फिल्म के बाद सायका को धड़ाधड़ सपोर्टिंग रोल्स मिलने लगे। सायका ने उर्दू के साथ साथ पंजाबी फिल्मों में भी काम करना शुरू कर दिया। 1968 में ही उन्होंने अपने करियर की पहली पंजाबी फिल्म बाऊजी में काम किया। ये तबकाती तफरीक के मौजू पर बनी एक कामयाब फिल्म थी जिसमें फिरदौस, इजाज उरानी, यूसुफ खान, सलोनी, मुनव्वर जरीफ और रंगीला जैसे बड़े नाम कास्ट का ऐसा थे। यूं बड़ी बड़ी और कामयाब फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स के साथ कम उम्र में ही सायका के करियर का जबरदस्त आगाज हुआ। सायका के करियर के तीसरे साल यानी 1970 में फिल्म रंगीला रिलीज हुई। ये पंजाबी फिल्म अदाकार रंगीला ने ही तैयार की थी और इसका लीडिंग रोल भी खुद ही किया था। इसमें निशो और सायका हीरोइंस के तौर पर जलवागर हुई। ये पहली फिल्म थी जिसमें सायका ने हीरोइन का रोल किया। सायका पहली मर्तबा रंगीला में ही मरकजी किरदार में नजर आई, इसलिए ये उनके करियर की यादगार फिल्मों में शुमार की जाती है। फिल्म रंगीला अजीम कॉमेडियन रंगीला समेत सायका और निशो की लाजवाब परफॉर्मेंस और लाजवाल मौसीकी से याद की जाती है। फिल्म रंगीला के बाद सायका की फिल्मी दुनिया में पहचान बन गई थी और फिल्मसाज उन्हें धड़ाधड़ अपनी फिल्मों में कास्ट करने लगे थे जिनमें वो हीरोइन और सेकंड हीरोइन के तौर पर काम करने लगी। मिसाल के तौर पर 1972 में रिलीज होने वाली हसन तारिक की उर्दू फिल्म बहारो फूल बरसाओ में सायका ने सपोर्टिंग रोल किया लेकिन इसे अपनी सलाहियतों से चार चांद लगा दिए। अदाकारा सायका के करियर की सबसे बड़ी फिल्म दो रंगीले थी जो कि 1972 में रिलीज हुई थी और इसकी सबसे बड़ी वजह सायका पर फिल्माया गया नूर जहां का लाजवाल गीत था। इसी गीत ने सायका को न सिर्फ अवामुन नास में मकबूल किया बल्कि आज भी उनका तذکرہ इसी गीत के तवज्जो से किया जाता है। रंगीला समेत पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने 1970 में रिलीज होने वाली रंगीला फिल्म में सायका की जानदार अदाकारी देख ली थी, लिहाजा 1972 में जब कॉमेडियन रंगीला ने फिल्म दो रंगीले बनाए तो उन्होंने एक दफा फिर सायका पर भरोसा करते हुए उन्हें अपनी फिल्म में सेकंड हीरोइन के तौर पर कास्ट किया और सायका इस दफा भी तवक्कुआत से बढ़कर कामयाब हुई। फिल्म दो रंगीले में कॉमेडियन रंगीला का डबल रोल था जबकि आसिया बेगम फिल्म की मरकजी हीरोइन थी और ये फिल्म अपने दौर का एक शाहकार था जिसका सबसे बड़ा गीत सायका के हिस्से में आया। इस फिल्म में नूर जहां की आवाज में रिकॉर्ड होने वाला गीत वे मैं दिल तेरे कदम च रखिया तू पैर ते पाते सही सायका पर फिल्माया गया।
शायका सिर्फ उर्दू और पंजाबी फिल्मों तक महदूद न थी, बल्कि जब इनायत हुसैन भट्टी ने पाकिस्तान की पहली सरायकी फिल्म धियां नुमानियां बनाई तो हिरवन के किरदार के लिए सबिया खानम के साथ शायका को भी कास्ट किया। शायका ने इस फिल्म में भी बखूबी काम किया, जो उर्दू और पंजाबी फिल्मों में उनका खासा था। धियां नुमानियां के बाद शायका ने सांझ साढ़े प्यार दी और इनायत हुसैन भट्टी ही की फिल्म हैदर दिलेर में भी काम किया, जिसे बहुत सराहा गया। फिल्म स्टार रंगीला के साथ बतौर हिरवन काम करने का सिलसिला पंजाबी के बाद उर्दू फिल्मों में भी जारी रहा। इनमें दिल और दुनिया और मेरी जिंदगी है नगमा जैसी लाजवाब फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा दोनों पर गीत भी अक्सबंद हुए, जैसा कि 1974 में फिल्म दुनिया गोल है रिलीज हुई, जिसमें मेहदी हसन का सबसे हिट गीत रंगीला और शायका पर फिल्माया गया, जिसके बोल कुछ यूं थे कि अपने हाथों की लकीरों में सजा ले मुझको, अपने हाथों की लकीरों में बसा ले मुझको, मैं हूँ तेरा नसीब अपना ले मुझको। शायका ने कॉमेडी फिल्म पर्दे में रहने दो में भी अपने फन के जौहर दिखाए। ये फिल्म 1973 में रिलीज हुई। इस फिल्म की कास्ट में रंगीला, मुनव्वर शरीफ और नन्ना जैसे बड़े कॉमेडियन शामिल थे। शायका कॉमेडियन नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद पूरी तरह फिल्म के मिजाज में टल गयी और बहुत उम्दा अदाकारी की। मसूद राणा और नैयर नूर की आवाज में गीत जाने से पहले इतना बता दो रंगीला और शायका पर अक्सबंद हुआ और बहुत पसंद किया गया। इस पहले इतना बता दो कि फिर कब मिलोगे, कहाँ पर मिलोगे। शायका की फिल्म स्टार आसिया से अच्छी दोस्ती थी। दोनों ने कई फिल्मों में इकट्ठे काम किया। अक्सर दोनों पंजाबी फिल्मों में इकट्ठी हीरोइंस हुआ करती थीं। और ऐसे ही एक फिल्म जीरा ब्लेड थी। मुनव्वर शरीफ ने इस फिल्म में मरकजी किरदार अदा किया था। ये फिल्म भी सुपरहिट रही थी। इसी तरह सुल्तान राही की सुपरहिट फिल्मों रंगा डाकू और जट सुरमा में भी आसिया और शायका इकट्ठी जलवागर हुई। फिल्म जीरा ब्लेड मुनव्वर शरीफ की लाजवाब परफॉर्मेंस से याद की जाती है और इसमें भी शायका ने अपना हिस्सा डाला था, जैसा कि फिल्म का सबसे हिट गीत उन्हीं पर फिल्माया गया। फिल्म जीरा ब्लेड का गीत तू ते चलाक बड़ा ढोलना में मुनव्वर शरीफ और शायका एक साथ नजर आए और नाजरीन ने इसे बहुत पसंद किया। तू 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 वे चलाक बड़ा ढोलना, जा 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 मैं नहीं तेरे नाल बोलना। 70 की दहाई में शायका मुसलसल फिल्मों में काम करती रहीं और इनमें बहुत सी फिल्में हिट और कई सुपरहिट भी हुईं। मोहम्मद अली उस दौर का सबसे बड़ा नाम थे। वो अपनी जौजा जेबा के साथ बड़ी बड़ी और कामयाब फिल्मों में नजर आते थे। शायका को ऐसी कई फिल्मों में स्पोर्टिंग रोल्स करने का मौका मिला। समाज, तेरे मेरे सपने और नौकर मोहम्मद अली और जेबा की ऐसी ही कुछ सुपरहिट फिल्में थी जिनमें शायका भी नजर आई। 1980 में रिलीज होने वाली डायमंड जुबली फिल्म हम दोनों भी शायका की जिंदगी की एक यादगार फिल्म थी। इस फिल्म को कारोबारी तौर पर आईना के बाद उर्दू की सबसे कामयाब फिल्म कहा जाता है। ये 3 साल से ज्यादा अरसे तक सिनेमा स्क्रीन्स पर रही। ये नदीम और शबनम के करियर के उरूज का जमाना था और वही दोनों इसमें हीरो और हीरोइन के तौर पर नजर आए। दीगर कास्ट में शायका के साथ साथ असलम परवेज, कमाल और निमी जैसे मारूफ नाम शामिल थे। शायका 1980 की दहाई में भी फिल्मों में काम करती रही, लेकिन अब उनकी फिल्मों की तादाद बहुत कम रह गई थी। जहां पहले एक साल में उनकी 5 से 10 फिल्में आती थीं, अब उनकी सालाना 2-3 फिल्में आने लगी। दरअसल 80 की दहाई में फिल्म इंडस्ट्री का रंग ढंग और शायकीन का मिजाज काफी बदल गए थे। नए अदाकारों की पूरी खेप तैयार हो गई थी। बहरहाल शायका ने काम जारी रखा और 1995 तक फिल्म इंडस्ट्री नहीं छोड़ी। इस दौरानिये में उनकी जितनी भी फिल्में कामयाब हुई वो पंजाबी थी। इनमें गुलामी और रोटी नुमाया फिल्में हैं। इन दोनों एक्शन फिल्मों में उन्हें सुल्तान राही के साथ काम करने का मौका मिला था, जो कि फिल्म के मरकजी हीरो थे। शायका ने फिल्मी दुनिया का मिजाज देखते हुए आखिरकार रिटायरमेंट ले ली और अचानक स्क्रीन से गायब हो गई। तकरीबन 18 साल उन्होंने गुमनामी और खामोशी में गुजारे और फिर रिटायरमेंट के 18 साल बाद जियो फिल्म्स की फिल्म चंबेली में काम किया। ये फिल्म 2013 में रिलीज हुई। इस फिल्म की कास्ट में शायका के साथ गुलाम मुहियुद्दीन और शफकत चीमा शामिल थे। इस फिल्म को भी खूब पजीराई हासिल हुई। इसके अलावा शायका 1995 से अब तक किसी और फिल्म में नजर नहीं आई। अलबत्ता कुछ टीवी ड्रामों में उन्होंने जरूर काम किया और उनके काम को पसंद भी किया गया। शायका के फिल्मों में काम ना करने और ड्रामों
फिल्मों में बहुत सिलेक्टिव काम करने की दीगर वजूहात के साथ एक बड़ी वजह यह थी कि वो अपनी बेटियों की परवरिश पर तवज्जो देना चाहती थी। उनकी शादी टीवी ड्रामों के लेजेंडरी अदाकार ख्याम सरहदी से हुई। ख्याम सरहदी की पहली शादी फिल्म एक्ट्रेस अतिया से हुई थी जो नाकाम हो गई, लेकिन सायका ख्याम की वफात तक उनके साथ रही। ख्याम सरहदी से उनकी तीन बेटियां हैं जिनमें से एक के साथ सायका लाहौर में आसूदा और खुशबाश जिंदगी गुजार रही हैं। उनके शोहर ख्याम सरहदी का 2011 में इंतकाल हुआ। सायका के मुताबिक उनकी जिंदगी में खावंद की जुदाई के अलावा कोई गम नहीं। वो अपनी बेटियों के अलावा फिल्म इंडस्ट्री की सहेलियों और कुलीग से भी राब्ते में रहती हैं। उन्होंने बावकार पेशा वराना जिंदगी भी गुजारी और बाइज्जत निजी जिंदगी भी। खुदा ताला उन्हें सेहत और खुशियां अता फरमाए। आमीन।